तो दोस्तों, मंजिलें भी बहुत जिद्दी होती हैं। ये उन्हीं को ही प्राप्त होती हैं जो कि मंजिलों को पाने की जिद कर लेते हैं। तो आप भी अपनी जिद बढ़ाते चलो और मंजिल की तरफ कूच करते चलो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के साथ। आज डेट है फरवरी 22, 2019 और डे है फ्राइडे। आज का न्यूज़पेपर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में आज बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जो द हिंदू के अंदर इंक्लूडेड नहीं है और आपके लिए रेलिवेंट है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंगा, अगर आपके पास अन अकेडमी की लर्निंग ऐप है, मैं वहाँ पर भी हूँ। आप लोग मेरा नाम सर्च करके, अमन शर्मा सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे अन अकेडमी पे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं। एक है मेरा डेली करंट अफेयर्स शो और वहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर कर रहा हूँ। आज के जो सवाल है आप लोगों के लिए वो क्या है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? देखो, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया टू द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कि यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करेगा पीसा के अंदर, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट के अंदर। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कशन में ली थी। अब आपको बताना है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें करेक्ट हैं। ये जो पीसा है, इट विल बी कंडक्टेड बाय OECD इन 2021, उसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेम आर ट्रू? तो पहली है कि पीसा इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट विच अनलाइक कंटेंट बेस्ड असेसमेंट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड की कॉम्पिटेंसी दैट आर असेंशियल फॉर फुल पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न सोसाइटीज़। कि यहाँ पे देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है, कॉन्टेंट बेस्ड असेसमेंट नहीं होता है यहाँ पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है। और देखा जाता है कि किस कंट्री के बच्चे कितने ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। और दूसरी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है, लर्निंग फ्रॉम योर पार्टिसिपेशन इन पीसा विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन द स्कूल सिस्टम एंड हेल्प मूव अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग। जो हमारे देश में जो पुरानी लर्निंग है, जो हम लोग पुराने प्रोसेस से चले आ रहे हैं, उनकी जगह पर अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन आ जाएंगे कि देखा जाए कि बच्चे असलियत में कितना लर्न कर रहे हैं, ये कितना समझ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर जो आप लोगों ने आंसर शीट में लिख दिया उसके ऊपर यहां पे ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी स्टेटमेंट है, पीसा कॉन्सेंट्रेट्स इट्स स्टूडेंट्स असेसमेंट एक्टिविटी मेनली इन द मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफ एशिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली या D ऑल ऑफ द अबव। अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, चीटिंग बिल्कुल मत करना। और वीडियो के एंड में भी आपको आंसर मिल जाएगा, पर आप लोग वीडियो के एंड का इंतजार नहीं करते हुए अभी के अभी ही वीडियो पॉज करके अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे सबसे पहली खबर, द न्यूज़ नंबर 1 इज, नाउ ऑल CAPF पर्सनल कैन अवेल फ्लाइट्स। तो यहाँ पे पुलवामा अटैक के बाद सरकार बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे हमारा एक जो बड़ा जो आज का बिग क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, कि ये सब चीज़ें जब हमारे देश में कुछ हो जाता है उसी के बाद क्यों होती हैं? हम लोग पहले ही यहाँ पे मिटिगेटरी स्टेप क्यों नहीं लेते हैं, पहले ही वो सारे स्टेप क्यों नहीं उठाते हैं जिनसे जो हमें दुर्घटना देखने को मिलती है, जो हादसे देखने को मिलते हैं वो हो ही ना। तो जो भी यहाँ पे CAPF रैंक के ऑफिसर्स यहाँ पे डिप्लॉय होंगे, उनको यहाँ पे अब कमर्शियल फ्लाइट मिल सकेंगी अगर वो कश्मीर वैली के अंदर डिप्लॉय हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं या लीव पे आ रहे हैं, उन सब चीज़ों में उनको यहाँ पर फ्लाइट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऑर्डर को निकाला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो हमारी CAPF फोर्सेस होती हैं वो वर्क करती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पे सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड अबव एंजॉयड दिस फैसिलिटी अर्लियर। पहले आप देखोगे कि जो ऑफिसर्स थे जो कि यहाँ पे इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर थे, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को एंजॉय करते थे। बट अब यहाँ पे और भी रैंक्स को जोड़ लिया गया है, जितने भी पर्सनल्स हैं उनको जोड़ लिया गया है, मतलब रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो लोग भी अब यहाँ पे एलिजिबल होंगे कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अगर वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं या छुट्टी पे गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आपको पेज नंबर 1 पे एक और खबर मिलती है, असम राइफल्स ग्रांटेड पावर टू अरेस्ट एनीवन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे असम राइफल्स को एक एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है। देखो, असम राइफल्स डिप्लॉयड अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, बेसिकली असम राइफल्स का
जो मेन रोल है, क्योंकि हमारे देश में जो एक प्रक्रिया चल रही है वो ये है कि वन फोर्स वन बॉर्डर, तो उसके अंदर जो असम राइफल्स है वो हमारा जो इंडो बर्मा बॉर्डर या इंडो म्यांमार बॉर्डर है उसको कंट्रोल करती है। और अब उसको यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी सर्च कर सकती है विदाउट वारंट। यहाँ पे वारंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं असम के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, नागालैंड के और मिजोरम के, ओके, ये हमारे सामने आया। और इनको ये जो पावर्स हैं ये दी गई हैं अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, अंडर द CRPC। साथ ही असम राइफल्स में आप देखोगे पहले क्या होता था, असम राइफल्स यहाँ पे अरेस्ट कर सकते थे सिर्फ उन्हीं एरिया के अंदर जहाँ पे हमारा जो आफ्सपा एक्ट है, जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो अप्लाई होता था। अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो हमें असम राइफल्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जिक्र है, आफ्सपा एक्ट के बारे में जिक्र है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो असम राइफल्स के पर्सनल्स हैं वो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स और डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 41, सेक्शंस 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151, 152 ऑफ दी CRPC। तो CRPC के अंदर इनको यहाँ पावर दी गई है। सेक्शन 41 क्या है, तो सेक्शन 41 ऑफ दी CRPC इस चीज़ का स्टेट करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट और विदाउट एन वारंट, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है ना ही किसी वारंट की जरूरत है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। साथ ही सेक्शन 47 यहाँ पे सर्च करने की पावर देता है। और सेक्शन 48 की अगर हम लोग बात करें वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर में फॉर दी पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट ऑन एनी पर्सन परस्यू सच पर्सन इन टू एनी प्लेस इन इंडिया। और सेक्शन 49 इसी चीज़ से डील करता है कि द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन दैन इन नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, ज़्यादा टाइम के लिए भी किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे सेक्शन 49 कहता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए इस आर्टिकल से रिलेट करते हुए, एक है यहाँ पे असम राइफल्स, दूसरा है हमारे आफ्सपा। तो सबसे पहले असम राइफल्स के बारे में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो असम राइफल्स हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है और ब्रिटिशर्स ने इसे यहाँ पे 1835 के अंदर इस्टेब्लिश किया था। उसको उस समय यहाँ पे कैशर लवे के नाम से जानते थे। उसके बाद यहाँ पे असम राइफल्स के नाम चेंज होते गए, जैसे 1883 के अंदर इसका नाम था असम फ्रंटियर पुलिस, फिर 1891 के अंदर नाम था असम मिलिट्री पुलिस, 1913 के अंदर नाम था ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस, और यहाँ पर 1917 के अंदर यहाँ पे वो जो नाम आप लोगों को देखने को मिलता है असम राइफल्स, वो हम लोगों के सामने आया। असम राइफल्स ने यहाँ पे और जो उसकी जो प्रीडिसेसर यूनिट्स थी उसने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, यूरोप के अंदर सर्व किया, मिडल ईस्ट के अंदर सर्व किया, एज वेल एज वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था असम राइफल्स का, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड के अंदर। आज की डेट में आप देखोगे 46 बटालियंस हैं असम राइफल्स की, जिनकी सेंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे 63,747 है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये वर्क करती है। और यहाँ पे इंडो म्यांमार जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी असम राइफल्स। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखना, 2002 से गार्ड कर रही है अंडर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ वन बॉर्डर वन फोर्स। ठीक है, ये कुछ और आपके लिए एक्स्ट्रा स्टफ, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, आप इस पिक्चर को देखकर भी जो नोट्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारी असम राइफल्स हैं उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की जो INA है उसके खिलाफ भी यहाँ पे लड़ाई करी थी, दलाई लामा को एस्कॉर्ट करवाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद की यहाँ पे असम राइफल्स ने, ऑपरेशन पवन ओके जो श्रीलंका के अंदर था उसके अंदर भी इन्हें डिप्लॉय किया गया था, कश्मीर के इंसर्जेंसी के लिए भी इन्हें डिप्लॉय किया गया था। और एज वेल एज यहाँ पे दे अरेस्टेड 4 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मिजोरम व्हेन दे वर मिलिटेंट्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ असम राइफल्स के बारे में, इंडियाज ओल्डेस्ट आर्म फोर्स। आगे बढ़ते हैं आफ्सपा एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये एक्ट कब पास हुआ था, कब से ये फोर्स में आया, सबसे पहले सितंबर 11, 1958 से ये फोर्स में आया। बेसिकली जो हमारे देश के डिस्टर्ब्ड एरिया थे उनके डील करने के लिए, खासकर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो यहाँ पे थे उनसे डील करने के लिए हम लोग यहाँ पे आफ्सपा को लेकर आए थे। आफ्सपा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कश्मीर एमिड इंक्रीज इन द इंसर्जेंसी इन 1990। तो कश्मीर के अंदर बहुत ही लेट यहाँ पे आफ्सपा एक्ट अप्लाई हुआ, बट यहाँ पे
बहुत पहले से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमें लगता हुआ नजर आया है। बेसिकली जो आसपा है वो एक इमेंस पावर प्रोवाइड करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, उनको जो हमारे जवान हैं उनको एक एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है, और कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर। ओके, इस लॉ के अंदर आप देखोगे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि कहीं भी अगर पांच या पांच से ज्यादा की कहीं गैदरिंग हो रही है तो वो उन लोगों को पकड़ सकते हैं, और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है कि ये कहीं पर भी प्रोटेक्शन के लिए फायर ओपन कर सकते हैं, कहीं पर भी यहाँ पे बंदूक चला सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है आसपा एक्ट के बारे में, तो कब बना, शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले मणिपुर में लगा था, ओके, कश्मीर में 1990 में लगा था। और देखो तो सेना को क्या अधिकार दिए जाते हैं, सेना को यहाँ पे बिना वारंट तलाशी का अधिकार होता है, डिस्टर्ब एरिया में संदिग्ध पर वायरिंग का अधिकार होता है, यहाँ पे बिना वारंट संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार भी होता है, यहाँ पे हमले के बाद संदिग्ध का घर या इमारत गिराने का अधिकार भी होता है, और साथ ही जो आसपा एक्ट के अंदर जो सैनिक होते हैं उन पर कार्रवाई से बचाव भी किया जाता है, मतलब अगर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, लीगल एक्शन उन पर नहीं लिए जा सकते। इन्हीं सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो। साथ ही यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे आसपा अभी 6 स्टेट्स के अंदर है, असम के अंदर है, नागालैंड के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, मेघालय के अंदर है, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर एरिए के अंदर ही है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो कुछ जगहों पर, जैसे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना, जो असम से यहाँ पे बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको आगे जाके मिलता है एक और आज अच्छा सुंदर सा ग्राफ, गुड क्रॉप बैड क्रॉप। जैसे यहाँ पे गुड और बैड के बारे में डिवाइडन होता है, डिवीजन होता है, आप लोग भी गुड एंड बैड करते ही रहते हो, तो यहाँ पे उसी तरीके से गुड क्रॉप और बैड क्रॉप के बारे में यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं। अभी हम लोगों ने रेनफॉल की शॉर्टेज देखने को मिली 2018 के अंदर, और जिसने यहाँ पे जो सॉयल मॉइस्चर है उसको यहाँ पे कम कर दिया, जो सॉयल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, सॉयल के अंदर जो पानी का कंटेंट होता है उसको यहाँ पे कम कर दिया है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे NDVI क्या होता है, क्योंकि बार बार इसी चीज़ का यहाँ पे इस आर्टिकल में जिक्र है। NDVI इज़ ए नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू मेजर द हेल्थ एंड विटैलिटी ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन की हेल्थ, या आप कह सकते हो कि कितनी वेजिटेशन हो सकती है, उसकी विटैलिटी क्या होगी, ठीक है, वो कितनी भरपूर होगी, उसको देखने के लिए हम लोग NDVI का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हेल्दी और डेंस वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स मोर नियर इंफ्रारेड लाइट, ओके, बट लेस रेड लाइट एज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्ड रेड, और ऑन दी अदर हैंड इफ द वेजिटेशन इज वीक और स्पार्स द NIR रिफ्लेक्शन इज लेस एंड द रेड रिफ्लेक्शन इज मोर। यहाँ पे आपको ये देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बोला गया है कि अगर NIR रिफ्लेक्शन कम है, NIR रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन यहाँ पे कम है, जो ऊपर सेटेलाइट से यहाँ पे चीज़ें ली गई हैं, तो आपको यहाँ पे रेड देखने को मिलेगा, रेड रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो अगर जो येलो जगह आपको दिख रही है या आपको ग्रीन जगह दिख रही है, इसका मतलब आप ये कह सकती हो कि वहाँ पे क्लोरोफिल का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, तो क्योंकि वो रेड लाइट को एब्जॉर्व कर लेती है। साथ ही NDVI कंबाइंस दीज टू रिफ्लेक्शंस ऑन टू वन वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन +1 and -1। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि हेल्दी लाइफ या हेल्दी आप कह सकते हो यहाँ पे हमारी जो सॉइल है, हेल्दी वेजिटेशन है, और नेगेटिव यहाँ पे नॉन हेल्दी इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे मैप से डिपिक्ट किया जा रहा है वेजिटेशन को 2018 को, यहाँ पे अगर कंपेयर करें टू द मीन वेजिटेशन ऑफ बिटवीन 2010 and 2017 इन 4449 ब्लॉक्स इन ऑल आर कंट्री। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंज हुआ है NDVI एनोमली के अंदर, ब्लॉक्स इन रेड हैड स्पार्सेस और वीकर वेजिटेशन। तो आप देख सकते हो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का एरिया है, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया है, ओडिशा में भी यहाँ पे हल्का फुल्की जगह आ रही हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर आ रही हैं, तेलंगाना के अंदर आ रही हैं, कुछ तमिलनाडु का पार्ट है, कर्नाटक का भी हल्का फुल्का यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र का पोर्शन है, और यहाँ पे कुछ केरला का भी पोर्शन है, नॉर्थ ईस्टर्न में देखोगे आप अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन है, ओके, कुछ यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे यहाँ पे थोड़े से हम लोगों को स्पार्स दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी हमें कम वेजिटेशन जो है वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। वीकर वेजिटेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप है
वो अफेक्ट हुई है अगर हम लोग उसे कंपेयर करें, और 2018 के अंदर जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप है वो हमें घटती हुई नज़र आई है। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट ग्राफ था आप लोगों के लिए समझना कि, और ये जो शब्द है NDVI, इस ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। ओके, तो इस क्वांटिफाई भी किया गया इस पर्टिकुलर चीज़ को कि किस तरीके से किस स्टेट में आपको क्या क्या देखने को मिला, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, देख लेना। पिंच ऑफ सॉल्ट की बात करें, व्हाइल द लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज एन एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ ड्रॉट। यहाँ पे हम लोग ड्रॉट, हम लोग जिस चीज़ को सूखा कहते हैं उसको हम लोग कैसे देखते हैं कि लैक ऑफ मॉइस्चर, हमारे जो यहाँ पे सॉइल है उसके अंदर पानी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा कितनी कम है। तो NDVI एनोमिलिटी एक सही यहाँ पे फैक्ट नहीं है कि हम लोग देख सकें, इस चीज़ को भी इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल 52% ऑफ द ब्लॉक्स इन केरला हैड स्पार्स या वीकर वेजिटेशन 2018 देन द मीन डिस्पाइट हैवी रेन, दिस इज बिकॉज फ्लड्स टू अफेक्ट वेजिटेशन एज दे रिड्यूस द क्रॉप एरिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यों यहाँ पे NDVI एनोमली अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर है वो ज़्यादा बेहतर होता है। कारण कारण यह भी, जैसे केरला के अंदर अभी हम लोगों ने अगस्त के अंदर देखा था कि फ्लड आ गया था, उस वजह से क्या हुआ, वेजिटेशन इंपैक्ट हुई। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो वेजिटेशन का इंपैक्ट है वो यहाँ पे NDVI एनोमली के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पे, खबर मिलती है UN सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्स पुलवामा अटैक। अब देखो, अगर आपको इस आर्टिकल में इसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता नहीं होगा, तो आर्टिकल को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज के डेट में हम लोग इस आर्टिकल के साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी डिस्कशन में लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले वो देखो, मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने जो पुलवामा में अटैक हुआ उसको कंडेम किया। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो स्टेटमेंट बोली उसके अंदर जैश ए मोहम्मद का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया। जैश ए मोहम्मद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लेम किया है कि पुलवामा अटैक उन लोगों ने कराया था, वो टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ये पर्टिकुलर क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कल हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म के बारे में बात करी थी, जिसको 1996 के अंदर इंडिया ने पेश किया था, बट अभी तक वो अटका हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे UNSC स्टेटमेंट वॉज रिलीज आफ्टर अ प्रोलॉन्ग सिक्योरिटी काउंसिल नेगोशिएशन, बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद यहाँ पे UNSC की स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आई। एंड आप यहाँ पे देखोगे जैम के जो चीफ है मसूद अजहर, इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में लिस्ट आउट करा सके, बट बार बार जो चाइना है वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। ओके, साथ ही जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, दे अंडरलाइन द नीड टू होल्ड द परपेट्रेटर्स, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, फिनेंसर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक करते हुए, उनको उनके ऊपर हमें कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे देश में जस्टिस आ सके। और सारी की सारी स्टेट्स को किया है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन हैं उनकी तरफ वो अप्लाई करें, उनको यहाँ पे माने। साथ ही यहाँ पे मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इस चीज़ को भी रिट्रेट किया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक क्रिमिनल एक्ट है, एक अनजस्टिफाइबल एक्ट है। ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर मोटिवेशन, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, गुड हो या बैड हो, टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ ही होती हैं। आपके लिए स्पेशल आर्टिकल इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ है UNSC के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। यहाँ पे लाइक द UN एज अ होल, सिक्योरिटी काउंसिल वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर टू को देखते हुए यहाँ पे बनाया गया था कि आगे वैसी स्थिति ना हो। ठीक है, और यहाँ पे टू एड्रेस द फेलिंग ऑफ अ प्रीवियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते थे, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड पीस को मेंटेन करती थी। सिक्योरिटी काउंसिल की जो पहली मीटिंग थी वो 1946 के अंदर हुई थी, और इसके रोल्स एंड पावर्स क्या होते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल बॉडी है। इंडिया बार बार रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया की भी एंट्री एज अ परमानेंट मेंबर हो सके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यहाँ पे पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो UNSC ने ले रखी है। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाती है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस करती है, मिलिट्री एक्शन लगाने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के रिजल्ट की जरूरत होती है। इट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी जिसके पास यहां पे अथॉरिटी है टू इशू अ बाइंडिंग रिजोल्यूशन, एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास खुद से एक एक्स्ट्रा पावर है कि किसी के भी खिलाफ यहां पे कुछ भी बाइंडिंग रिजोल्यूशन निकाल सकती है। आप देखोगे अंडर द UN चार्टर जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं, दे हैव टू अप्लाई जो यहां पे काउंसिल का डिसीजन होगा, जो कि UNSC का डिसीजन होगा, उस पे कंप्लाई करना सारी की सारी यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। मेंबरशिप, अब मेंबर कौन कौन है, वैसे तो
यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं और हर मेंबर के पास यहाँ पे एक वोट होता है, बट यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है। ओके, और चाइना बार बार मना करता है, सिर्फ चाइना की वजह से हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है यहाँ पे P5 के अंदर। और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होती है, इसी पावर का इस्तेमाल बार बार यहाँ पे चाइना भी करता है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है ऑल्सो हैज़ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, इस चीज़ को याद रखना। जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 जो NPM होते हैं, दे आर इलेक्टेड ऑन अ रीजनल बेसिस। यहाँ पे रीजन वाइज कि एशिया पैसिफिक से कितने होंगे, यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप से, अफ्रीका से, इस हिसाब से इनके जो रीजन्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। ओके, और यहाँ पे कितने साल के लिए रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, कितना इनका टेन्योर होता है? 2 साल का। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अभी के अभी ही रट लो, 2 साल का। एंड दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर्स। जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वो यहां पे इन्हें चुनती है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। लैक ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स फेस एविक्शन। बहुत सारे यहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स यहां पे एविक्शन फेस कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है, उसने बोला है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जिनको इस राइट्स एक्ट के अंदर राइट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, राइट्स नहीं दिए गए हैं 21 स्टेट्स के अंदर, उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाए उन फॉरेस्ट से, उन जंगलों से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। तो 3 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बेंच बैठी थी। ओके, तो 3 जजेस की बेंच बैठी जिसमें यहां पे जस्टिस अरुण मिश्रा थे, नवीन सिन्हा जी थे, इंदिरा बैनर्जी थी। फरवरी 13 को उन्होंने इस ऑर्डर को सामने निकाला कि जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट के, उनको यहां पे काम सौंपा गया है कि आपको एविक्ट करना है उन सारे के सारे लोग को जिनको यहां पे राइट्स देना रिजेक्ट कर दिया गया है अंडर द लॉ ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। ओके, तो यहां पे 21 स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरी, उन्हें क्या क्या करना है? नंबर 1, उनको यहां पे सब चीजें देखनी है कि किसका क्लेम है, किसका क्लेम नहीं है, उस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है, गिव द स्टेटस ऑफ एविक्शन ऑफ पीपल हुज क्लेम्स हैव बीन रिजेक्टेड अंडर द एक्ट, उनके यहाँ पे स्टेटस प्रोवाइड करना है। तीसरा है, एक्सप्लेन करना है एफिडेविट के अंदर कि कुछ लोगों को क्यों अटेन किया गया है, क्यों उनको फाइनली एविक्ट नहीं किया गया है। फोर्थ, चीफ सेक्रेटरी शुड एंश्योर दैट एविक्शन ऑफ रिजेक्टेड क्लेमेंट्स आर कैरिड आउट। और यहाँ पे बोला गया है कि अपनी जो अगली रिपोर्ट है वो 24th of July 2019 से पहले अगली हियरिंग तक यहाँ पे सबमिट भी कर दें 21 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी। साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, FSI को भी यहाँ पे ऑर्डर किया कि आप लोग सैटेलाइट सर्वे निकालो और यहाँ पे आप लोग एनक्रोचमेंट पोजीशंस के रिकॉर्ड निकालो। और यहाँ पे देखा गया है कि हम लोग एनक्रोचमेंट को रोकना है और सैटेलाइट सर्वे से भी हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोगों की प्रेजेंस है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 6 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के बारे में। वो बात करता है एक मल्टी लेयर्ड और हायरार्किकल प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्लेम, स्टेटिंग एट द ग्राम सभा लेवल विद मल्टीपल एपिलेट कमिटी एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ पे कि हायरार्किकल प्रोसेस क्या होगा, कैसे हायरार्की की या जो आपके पैतृक या जो तरीके हैं उनके बेसिस पे आपको फॉरेस्ट ड्वेलर के रूप में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बेसिकली इस एक्ट का मेन मकसद यही है कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके और फॉरेस्ट राइट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जा सके जो कि असलियत में उसके हकदार हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे, आपको खबर मिलती है इलेक्शन कमीशन अलॉट सिंबल्स टू 27 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो सिंबल्स देना, नेम क्या होगा वो सब देना, यहाँ पे किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से कंट्रोल करती हैं, उनके सारी कार्यवाही को देखती हैं। ओके, तो 27 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे सिंबल अलॉट कर दिए हैं। किसी को चप्पल का किया है, किसी को चाय फिल्टर का किया है, किसी को चपाती रोलर का दिया है, किसी को गैस स्टोव का दिया है, किसी को फ़ोन चार्जर का भी दिया है। जस्ट इमेजिन, फ़ोन चार्जर का यहाँ पे आप लोगों को सिंबल देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये दे दिया है। तो ये एक छोटी सी खबर थी पेज नंबर 11 पे। साथ ही पेज नंबर 12 पे आपको खबर मिलती है स्टडी जाय ऐप इज एन इंस्टेंट हिट। यहाँ पे स्टडी जाय के बारे में बात हो रही है। एक और आपके लिए सजेशन है, प्लीज सजेस्ट करना कि क्या हम लोगों को स्टडी IAS की भी एक एप्लीकेशन लेकर आनी चाहिए जैसे स्टडी जाय ऐप आई है। तो स्टडी जाय ऐप इज़ एन इंस्टेंट हिट। यहाँ पे जाय जिनपिंग के बारे में ये ऐप है, आप देख सकते हो अपने यहाँ पे किस तरीके से मोबाइल में ये नज़र आती है। तो प्रोपोगेंडा ऐप है यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट जाय जिनपिंग की,
और ये है बेसिकली, सबसे ज़्यादा इसके डाउनलोड हो गए हैं चाइना के अंदर, और ज़बरदस्ती भी वो लोग डाउनलोड करा सकते हैं इसके अंदर उनकी स्पीचेस, उनकी ट्रैवल वीडियोस, उनकी शॉर्ट वीडियोस, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जाय जिनपिंग की ब्लॉग एप्लीकेशन है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पे आपको खबर मिलती है, विल ट्राई टू पास ऑन रेट कट सेज बैंक्स। तो यहाँ पे जब से आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, आरबीआई ने इसी चीज़ को बोला कि हम लोगों ने तो 6.25% कर दिया रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटा के, बट उन चीज़ों का इम्पैक्ट कंज्यूमर को भी मिलना चाहिए, बेनिफिट कंज्यूमर को भी मिलना चाहिए। यहां पे बैंक्स भी इसी चीज से परेशान थे कि कंज्यूमर को हम किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएं, क्योंकि उनको अपने स्प्रेड की चिंता थी, उनको अपने प्रॉफिट की चिंता थी। तो फाइनली बैंक्स का ये कहना है, बैंक्स आर सेट टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलरली ऑन द रिटेल लोन्स, जैसे होम लोन होता है, ऑटोमोबाइल लोन होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट यहां पर कम देखने को मिलेंगे। आरबीआई के जो यहाँ पे गवर्नर हैं उनके साथ मुलाकात करी, और जो यहाँ पे बैंक्स के सीईओ हैं उन्होंने, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही कमर्शियल बैंक्स हैव बीन रिलक्टेंट टू लोअर द इंटरेस्ट रेट, जब से यहाँ पे 6.25% होता हुआ नज़र आया हम लोगों को रेपो रेट। यहाँ पे आप देखोगे अभी भी बैंक थोड़े से रिलक्टेंट हैं यहाँ पे जो लेंडिंग रेट हैं उसे रिड्यूस करने के ड्यूरिंग द रेट हाइक साइकिल ऑफ 2018। और यहाँ पे जब आरबीआई ने हाइक कर दिए थे इंटरेस्ट रेट बाय 50 BPS, बैंक्स ने एकदम जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट थे उसको एटलीस्ट 60 BPS से इंक्रीज़ कर दिया था। तो इंक्रीज़ करने में तो बैंक नहीं हिचकिचाते हैं, पर डिक्रीज़ करने में उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने जब रेट कट किए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिए इंटरेस्ट रेट बाय 5 BPS ऑन होम लोन्स ऑफ अप टू 30 लाख रुपीज़। 5 BPS का मतलब देखो, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, तो 5 BPS का मतलब क्या होगा, मतलब होगा 0.05% से यहाँ पे घटा दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे बैंकर सेड, वाइल देयर आर नॉट सो मच स्कोप टू रिड्यूस द बेंचमार्क रेट, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फॉर बेस्ड लेंडिंग रेट। तो MCLR, मैंने आपको बार बार MCLR के बारे में डिफरेंस भी बता चुका हूँ, आज आप लोग मुझे बताओगे कि MCLR के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन चीज़ों को MCLR के अंदर देखा जाता है, ये आपके लिए छोटा सा प्रश्न है। साथ ही यहाँ पे लिक्विडिटी डेफिसिट के बारे में बात हुई, इस समय पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी डेफिसिट है हमारे सिस्टम के अंदर, लैक ऑफ लिक्विडिटी है, जिस वजह से यहाँ पे जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे हायर कैश होल्डिंग, बैंक्स हैव ऑल्सो हाईलाइटेड इंक्रीजिंग इन कैश होल्डिंग विद पब्लिक, कि लोग अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं, और यहाँ पे उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, यहाँ पे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और लोग पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं, बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, तो इस वजह से जो कैश होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और यहाँ पे बैंकों के पास कैश नहीं आ पा रहा, तो कैश बैंक के पास नहीं आ पा रहा, तो बैंक कैश को रोटेट नहीं कर पा रहे, कैश को लिक्विड नहीं कर पा रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। ओके तो यहाँ पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे 8,200 करोड़ रुपीज़ का पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, जो कि यहाँ पे मदद करेगा लेंडर्स को, मतलब बैंक्स को, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इसी आर्टिकल में हम लोगों को देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत नेट कैन मोनिटाइज फाइबर असेट। तो यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, याद रखना जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है ये हमारे देश की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर से डील करती है, उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि यहाँ पे 2.5 लाख किलोमीटर की फाइबर को मोनिटाइज किया जा सकेगा। उसको यहाँ पे आप कह सकते हो उनको पैसे लेकर यहाँ पे काम किया जा सकेगा, लेड अंडर द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप भारत नेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसी और कंपनी को दे देंगे और उनसे यहाँ पे पैसे ले लेंगे, तो एक लीज मॉडल पे यहाँ पे वर्क करने की बात हो रही है। और यहाँ पे जो USOF है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इट हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट अ प्लान विद इन द 10 डेज, 10 दिन के अंदर हम लोगों को ये प्लान भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस मेकिंग टेलीकॉम PSUs हैं, BSNL है, MTNL है, वो भी अपना प्लान जल्द ही पेश करेंगे, कैसे वो यहाँ पे हायर रिवेन्यू ला सकते हैं नए नए पैकेजेस के साथ। साथ ही आज पेज नंबर 15 स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी आपको खबर देखने को मिलती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे अपॉइंटेड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस DK Jain द फर्स्ट अम्बर्ट्समैन अंडर द न्यू BCCI कॉन्स्टिट्यूशन। देखो BCCI के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, फर्स्ट अम्बर्ट्समैन कौन चुने गए हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DK Jain जी चुने गए हैं। साथ ही कोर्ट ने अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट जनरल रवि थॉगडे को, PVSM
23rd मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ओके, जो जस्टिस लोधा हैं वो यहाँ पे इसके एक तरीके से आप कह सकते हो हेड हैं, ओके. और यहाँ पे जो COA है, इट्स ए रिपोर्ट फाइल्ड रिसेंटली इन सुप्रीम कोर्ट, जिसने यहाँ पे बोला था कि अम्बड्समैन को अपॉइंट करा जाएगा तो उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेंगी. और उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही होने चाहिए या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या हाई कोर्ट होने चाहिए, और इनको एक साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाए जिससे जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो देख सकें, जो BCCI के अंदर जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें देख सकें. तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो वो लोग देखेंगे वो होगा BCCI CEO राहुल जौहरी के ऊपर जो केस है, और दूसरा केस है आप लोगों ने देखा होगा कॉफी विद करण के साथ जो हार्दिक पांड्या और KL राहुल का जो यहाँ पे TV शो था उसके खिलाफ यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी उनके ऊपर ये देखेंगे. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है बेसिकली ये. तो WHO प्रिस्क्राइब्स एरोबिक्स 150 टू स्टे फिट. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इस चीज को बोला है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं अगर आपको उनसे बचना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस तो करनी ही पड़ेंगी. यहाँ पे WHO ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 150 मिनट्स की वीकली फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, ओके. तो याद रखो आप लोग भी 150 मिनट्स वीकली यहाँ पे एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो पर करते रहना चाहिए. और अब आइडेंटिफाई किया गया है फिजिकल इनएक्टिविटी को, अगर आप लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, एज दी 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोबल मोर्टैलिटी. साथ ही WHO ने वॉर्न किया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी लेवल जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी बढ़ती जा रही है. जनरल हेल्थ का ये बहुत ही जरूरी सवाल है. साथ ही फिजिकल इनएक्टिविटी इज एस्टिमेटेड टू बी द मेन कॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21% to 25% ऑफ द ब्रेस्ट एंड कॉलन कैंसर. साथ ही 27% ऑफ डायबिटीज और यहां पे 30% ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज बर्डन, ओके. तो 150 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, यहाँ पर उन्हीं चीज़ को लिखा हुआ है. और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 5 से 17 साल के बीच में, उनको 60 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, ओके. उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं. और यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन भी होने लगता है. अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको सेल्फ एक्सप्रेशन आपके बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सोशल इंटरेक्शन आप लोग करने लगते हो, इंटीग्रेशन करने लगते हो. तो जरूर मुझे बताना कि आप लोग कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी करते भी हो या नहीं, या सिर्फ बस किताबों में ही लगे रहते हो, सिर्फ ब्रेन को फिट करते रहते हो, ओके. ब्रेन को फिट करने के साथ साथ अपनी बॉडी को भी फिट करने पर ध्यान दीजिए. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 के तरफ. तो यहाँ पे जयपुर फिजिसिस्ट सॉल्व पजल ऑन इंटरैक्शन ऑफ नेचर. यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बात होगी उसको हम लोग डार्क मैटर के नाम से जानते हैं. देखो, एक हमारा विजिबल मैटर होता है जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं, हम लोगों को न्यूट्रॉन, मूऑन, प्रोटॉन, इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं. हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं. यहाँ पे बात करते हैं डार्क मैटर के बारे में. डार्क मैटर बेसिकली आप आज के लिए इतना आप देखोगे, डार्क मैटर क्या होता है, वो पर्टिकुलर मैटर जिस वजह से हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो आपस में लिंक है. कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना जो आपस में लिंक कर रही होगी हमारे यूनिवर्स को. चीज़ें उसी जगह पे स्थित हैं, उसी तरीके से वर्क कर रही हैं. तो वो किस वजह से वर्क कर रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ डार्क मैटर है, ओके. कुछ डार्क चीज़ें हैं तो जिस वजह से वर्क कर रही है. तो यहाँ पे जयपुर फिजिसिस्ट ने एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश की थी जो कि इंटरेक्शन ऑफ नेचर से रिलेट करती थी, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया है बेला कोलैबोरेशन ने. तो बेला कोलैबोरेशन बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर 400 फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं. इसका यहाँ पे आप देखोगे हेडक्वार्टर है सुकूबा, जापान के अंदर. तो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि देयर इज न्यू एस्पेक्ट ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और डिसअपीयरेंस कैसे होता है एंटी मैटर का यूनिवर्स के अंदर. तो जो ये दिनेश कुमार जी हैं जो फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पजल को सॉल्व किया था, एज वेल एज यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया कि हम लोग जो आज की डेट में हिग्स बोसॉन, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसके बारे में रेफर करते हैं, यहाँ पे उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मेज़र नहीं कर सकते. यहाँ पे हम लोग जो काम है अगर हमें करना है तो हम लोगों को अलग तरीके से चीज़ों को मेज़र करना पड़ेगा. और उन्होंने मेज़र किया उन चीज़ों को जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती उन स्टैंडर्ड मॉडल से. और यहाँ पे बोला गया रिलेटेड टू द डिके ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग ब्यूटी मिजॉन्स के नाम से जानते हैं, ओके. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्होंने जो नेचर के किस तरीके से नेचर इंटरेक्ट करती है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है. उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाउ डिसअपीयरेंस ऑफ द एंटी मैटर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर एंटी मैटर किस तरीके से डिसअपीयर हो गया.
और यहाँ पे आप लोग भी मेरे को एक डिफरेंस बताओगे कि एंटी मैटर क्या होता है, डार्क मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। छोटे छोटे से सवाल हैं जो आप लोगों को मुझे बताने ही होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगी। तो यहाँ पे पहली खबर, इन पोल वॉल्ट ईपीएफओ बोर्ड प्रपोजिज इंटरेस्ट हाइक टू 8.65%। तो यहाँ पे ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने यहाँ पे रिकमेंड किया है, उसके बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं पीएफ डिपॉजिट्स के, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स के, फॉर इट्स 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स, वो यहाँ पर 8.55% से बढ़ाकर 8.65% कर दिए जाएँ। अब इसके यहाँ पे जो बड़ा रीज़न बताया गया है वो इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है, ये एक तरीके का इलेक्शन आप कह सकते हो, एक तरीके से पोल्स को आगे देखकर यहाँ पे बनाया गया है। बट यहाँ पे जो हायर इंटरेस्ट पे आउट है, वो जो सरप्लस होता है ईपीएफओ के पास, वो सिर्फ 151.67 करोड़ रुपीज़ छोड़ देगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो पीछे 586 करोड़ रुपीज़ था। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर ईपीएफओ का तो नुकसान होगा पर कंज्यूमर का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है, कम्स व्हेन रेट्स आर फॉलिंग। देखो जो रेट हाइक है वो उस समय पर आई है, एम्प्लॉयज़ के लिए वो अच्छी है, बट इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट को गिराते जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे हम लोगों को रेट हाइक देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप बाकी जो स्मॉल सेविंग स्कीम से कंपेयर करोगे तो उनके मुकाबले यहाँ पे ईपीएफओ जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि जो ज़्यादातर जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे 8% से नीचे दे रहे हैं, एंड द की पॉलिसी रेट सेट आउट बाय दी आरबीआई। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। तो कंट्रीब्यूटर्स के लिए एक अच्छी खबर है, अगर किसी का अकाउंट यहाँ पे पीएफ अकाउंट किसी के खुले हुए हैं। साथ ही जो यील्ड है ऑन 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड वो यहाँ पे 8% से नीचे ही रही पूरे के पूरे साल, डिस्पाइट द गवर्नमेंट डिलेइंग इट्स फिस्कल कंसोलिडेशन। आगे अभी देखो एक चीज़ और, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसने इस प्रपोजल को रखा है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये प्रपोजल जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। आगे जाते हैं, एनएसएसओ जॉब लॉस रिपोर्ट जंक्ट नीति टैप्स मुद्रा सर्वे फॉर डेटा। तो यहाँ पे जो एनएसएसओ की हम जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जो कह रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो घस रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, लोगों का मन नहीं है यहाँ पे नौकरी करने का, उस रिपोर्ट को कब लॉन्च करेगी सरकार, इसके ऊपर बहुत सारी असमंजस थी। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ पे जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है उसे जंक कर दिया जाए, उसको कूड़े में भेज दिया जाए, उसे कबाड़े में भेज दिया जाए, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आई थी। और यहाँ पे जो लेबर ब्यूरो सर्वे ऑन जॉब्स की जो फाइंडिंग थी उनको पब्लिक के सामने रखा जाएगा, जो उन्होंने करी थी, क्रिएट की थी अंडर द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जो मुद्रा स्कीम के अंदर जितने लोगों को जॉब मिली है उनकी यहां पे लिस्ट निकाली जाएगी, जिससे सरकार पेश कर सके कि उन्होंने कितना काम किया है, कितने लोगों को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की है। साथ ही जो ब्यूरो का सर्वे है वो कवर करेगा 1 लाख मुद्रा बेनिफिशियरीज को, जिन्होंने यहाँ पे लोन अवेल करा अप्रैल 2015 और जनवरी 31st 2019 के बीच में। साथ ही नीति हैज़ आज द मिनिस्ट्री टू फर्निश फिगर्स और नंबर ऑफ पीपल जिनको यहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, और कितने लोगों को एडिशनल जॉब भी मिली है। तो याद रखना यहाँ पे कि एनएसएसओ वाली जो रिपोर्ट थी उसको डंप करके यहाँ पे मुद्रा का सर्वे है वो हम लोगों के सामने रखा जाएगा। साथ ही नीति आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ब्यूरो की रिपोर्ट है वो दो इंपॉर्टेंट चीजों से यहां पे काउंटर करेगी, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे, और ये शो करेगी कि जॉब लॉस नहीं हुआ एनडीए गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर। साथ ही लेबर ब्यूरो 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे शोड अनएम्प्लॉयमेंट राइडिंग टू अ 4 ईयर हाई ऑफ 3.9% इन 2016-17 व्हाइल अ रिपोर्ट ऑफ द एनएसएसओ सर्वे पैक्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 45 as high of 6.1% in 2017-18। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज, MHA proposes pan India survey to gauge public perception about police। तो यहां पे पुलिस के बारे में लोगों के क्या सोच है, क्या विचार है, वो जानने के लिए यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है वो एक सर्वे कराएंगे। सर्वे का नाम होगा ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विस। कौन करेगा, करेगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे और इस सर्वे के बेसिस पे यहां पे आगे जो आउटकम होगा उसके बेसिस पे यहां पे नए नए रिफॉर्म्स, नए नए पॉलिसी, नए नए ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से यहां पे क्राइम का प्रिवेंशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उनको यहां पे ट्रैक आउट किया जाएगा।
ये जो सर्वे है ये अप्रोक्सीमेटली कवर करेगा सैंपल ऑफ 1.2 लाख हाउस होल्ड जो कि 173 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्प्रेड है। सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी सर्वे के अंदर यहाँ पे कवर किया जाएगा। याद रखना पुलिस कैसी है, पुलिस कैसा काम कर रही है, उसके लिए सर्वे कौन करवा रही है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या सर्वे है, ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज। आगे गडकरी विल स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां पे सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि यहां पे जो शेयर ऑफ वाटर है, जो यहां पे हमारी भी कुछ नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, खासकर यहां पे जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो जाती हैं और इंडस जाती है, उनका जो पानी का फ्लो है वो हम लोग यहां पे रोक देंगे, उनको डाइवर्ट कर देंगे और वहां पे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के लोगों को उसका फायदा देखने को मिलेगा। पुलवामा अटैक के बाद ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो डिसीजन है बहुत ही कड़े डिसीजंस हैं। इन स्टोरी के मैं 10 फैक्ट्स और लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो आप लोग याद रखना कि 10 10 चीजें क्या हुई इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूज में नहीं मिलेगा। तो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, यहां पे कि जो पाकिस्तान की तरफ जो नदियां जा रही हैं उनको हम लोग डाइवर्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के लोगों के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी की यहां पे बात हो रही है जिसके अंदर यहां पे ब्रोकरशिप वर्ल्ड बैंक ने करी थी, मीडिएशन की थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने साउंड किया था, जिसके अंदर इंडिया के पास कंट्रोल है सतलुज का, ब्यास का और रवि का, और पाकिस्तान के पास कंट्रोल है यहां पे झेलम का, चेनाब का और इंडस का। बेसिकली झेलम, चेनाब और इंडस के ऊपर यहां पे इंपैक्ट करने की इंडिया कोशिश कर रही है। इंडिया बार बार कहती है कि ये ट्रीटी सही तरीके से साइन आउट नहीं की गई थी। साथ ही यहां पे हम लोग एक डैम भी बना रहे हैं ऑन दी रावी रिवर एट शाहपुर कांडी, और यहां पे जो प्रोजेक्ट है उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाएगा जिससे यहां पे पानी को डाइवर्ट किया जा सके। और यहां पे जो इंडस वाटर है उसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे देखोगे आप, ऑफ़ दी टोटल 168 मिलियन एकर फीट इंडिया शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम दी थ्री रिवर्स कितना है, यहाँ पे 33 मिलियन एकर फीट का है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 20%, और इंडिया यहाँ पे इस्तेमाल करता है 93-94% ऑफ इट्स ओन शेयर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, और बाकी सारा जो रिमेनिंग है वो अनयूटिलाइज है या वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो कर जाता है। एंड दिस इज द वाटर दैट इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टॉप, और ये जो एक्स्ट्रा पानी जो स्टॉप कर जाता है, इंडिया ने इस चीज को डिसाइड किया है कि इंडिया यहां पे उस पानी को रोकेगा, इंडिया डिसाइड कर चुका है। और यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही जरूरी बात बोली, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, खून और पानी साथ साथ फ्लो नहीं कर सकता। साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे जो इंडस वाटर कमीशन की जो टॉक्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक डैम कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, और भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। इंडस वाटर कमीशन की जो बातचीत है वो यहाँ पे उरी के समय पर भी यहाँ पे रोक दी गई थी, बट उसके बाद उसे फिर स्टार्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हम लोगों ने लिया वो ये था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला स्टेटस भी हम लोगों ने पाकिस्तान से वापस ले लिया और 200% की कस्टम ड्यूटी लगा दी उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना आज का लेसन। और क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं, ओईसीडी से रिलेट करता था, पीसा के बारे में सवाल था, आंसर था इसका ए, 1 और 2 ओनली। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों ने सही जवाब दिया या गलत। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो यहाँ पे एक लाइक का बटन दबा होता है वो ग्रे कलर का होता है, उसे जल्दी से ब्लू में कन्वर्ट कर देना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने ज़्यादा मेरे को प्यार देते हो, आपका और मेरा प्यार इसी तरीके से बना रहे। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।